गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का पार्ट नंबर 5, जिसके अंदर हम मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे थे और मिसलेनियस के भी हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन दिए हुए हैं साइन ए प्लस वन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स एक्स लेस देन जीरो, सी एक्स इक्वल्स टू जीरो रूट में एक्स माइनस प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स अपॉन बी एक्स रूट एक्स एक्स ग्रेटर देन जीरो। ये तीन फंक्शन हमें दे रखे हैं और कह रहा है कि ये एक्स इक्वल्स टू जीरो पर कंटिन्यूस है, तब हमें ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि ए बी और सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। चलो आइए अब हम देखते हैं। ये कह रहा है बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूस, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू जीरो पर फंक्शन कंटिन्यूस है, देयरफोर इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी एट द पॉइंट कौन सा, जीरो पर। तो सबसे पहले मैं अगर एफ ऑफ जीरो की बात करता हूँ तो एफ ऑफ जीरो यानी जीरो पर फंक्शन कितना, सी। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ चुकी। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहती है कि लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच। जीरो क्यों लिया, क्योंकि जीरो पे चेक करना था या जीरो पर हमें कंटिन्यूस दे रखा है। तो लिमिट h टेंस टू जीरो, फंक्शन देखो जीरो से कम, जीरो से कम पे फंक्शन कौन सा, ये रहा, यानी जहाँ पर भी x होगा वहाँ क्या रख देंगे, माइनस h रख देंगे। तो साइन a प्लस वन माइनस h क्यों रख रहे हैं, जीरो में से h जाएगा तो माइनस का h, प्लस साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच, वैल्यू पुट कर दी इधर। अब देखो माइनस इधर भी आ रहा है, माइनस इधर भी आ रहा है, मैंने माइनस बाहर ले लिया यानी कॉमन ले लिया, तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो माइनस ब्रैकेट में माइनस ब्रैकेट साइन ए प्लस वन एच प्लस साइन एच अपॉन में माइनस का एच। ये माइनस से माइनस कट गया तो बच गया क्या, लिमिट एस टेंस टू जीरो साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो ये अपॉन में h तो है ही, साइन a प्लस साइन b यानी कि 2 साइन a प्लस b। अब देखो a प्लस b तो 1 प्लस a प्लस 1 प्लस h प्लस h डॉट साइन डॉट कॉस a माइनस b, तो a प्लस वन एच माइनस एच, ठीक है। अब देखो लिमिट h टेंस टू ज़ीरो ये 2 ये अपॉन में h है ही, दोनों में से h कॉमन आया तो 2 साइन h कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, a प्लस वन और इसमें से h बाहर आ गया तो प्लस वन डॉट कॉस h बाहर ले लिया तो अंदर क्या बच गया, a प्लस वन माइनस वन, ठीक है। तो अब देखो लिमिट h टेंस टू ज़ीरो टू साइन h a प्लस टू डॉट कॉस एक से एक कट गया तो ah
इसमें सब में अपॉन में टू है, बाई टू अपॉन टू ठीक है, और ये अपॉन में एच है ही। अब उसके बाद देखो मैंने क्या करा, लिमिट इसके ऊपर भी पहुँचाई, लिमिट इसके ऊपर भी पहुँचाई, तो लिमिट h टेंस टू ज़ीरो टू साइन एच ए प्लस टू बाई टू अपॉन एच डॉट लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो कॉस ए एच बाई टू। अब इस पे लिमिट पहुंचाने से पहले मैंने दो को बाहर लिया, अब देखो लिमिट h टेंस टू ज़ीरो ये h है ही, तो बचा क्या साइन एच ए प्लस टू बाई टू। मैं जानता हूँ अगर इसके नीचे भी ये चीज़ आ जावे तो इसकी वैल्यू वन हो जाती है, तो इसको नीचे लाने के लिए सेम देखो एच बाई टू है तो ये अपॉन टू, और इधर क्या है ए प्लस टू बाई टू, इधर डिवाइड करा है तो इधर ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एच बाई टू सॉरी वन बाई टू ए प्लस टू बाई टू, इससे मल्टीप्लाई कर दिया और लिमिट पहुँचा दी। और मैंने जैसे इसमें जीरो रखा तो कोस जीरो आया, कोस जीरो की वैल्यू मैं वन जानता हूँ, तो देखो टू इंटू इसकी वैल्यू कितनी वन, वन बाई टू ए प्लस टू बाई टू डॉट वन, ये टू से टू कट गया, तो अब बचा क्या देखो इधर वन बाई टू नहीं आएगा, ए प्लस टू ही आएगा केवल, वन बाई टू आगे ले लिया ना, तो ए प्लस टू ये टू से टू कट गया तो बचा क्या ए प्लस टू। अब मैं जानता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली, अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ इस वाले को, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन करें अच्छी तरीके से समझें इसको। देखो फंक्शन क्या कह रहा है राइट हैंड लिमिट का, राइट हैंड लिमिट क्या कहता है, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो f ऑफ ज़ीरो प्लस h, यानी कि ज़ीरो से ज़्यादा ये वाला फंक्शन आएगा, जहाँ पर भी x होगा वहाँ h रखेंगे, तो लिमिट f टेंस टू ज़ीरो ब्रैकेट रूट में h प्लस बी एच का स्क्वायर माइनस रूट h अपॉन बी एच रूट में h। ये मैंने वैल्यू पुट कर ली इसके अंदर फंक्शन के अंदर, इसके बाद हम क्या करेंगे देखो, मैंने क्या करा, ये रूट का मतलब क्या होता है पावर वन बाई टू, तो मैंने एच प्लस बी एच स्क्वायर की पावर वन बाई टू ले लिया माइनस रूट एच यानी कि एच की पावर वन बाई टू, बी एच और एच की पावर वन बाई टू, रूट का मतलब यही होता है। मैंने देखा कि इन दोनों के अंदर एच कॉमन आ रहा है और उसके ऊपर पावर वन बाई टू है, तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एच की पावर वन बाई टू कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया वन प्लस बी एच ठीक है, और इसकी पावर वन बाई टू माइनस एच की पावर वन बाई टू अपॉन बी एच एच की पावर वन बाई टू। अब मैंने देखा कि इन दोनों के अंदर एच बाई टू कॉमन आ रहा है, दोनों में से एच बाई टू कॉमन लिया तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एच बाई एच की पावर वन बाई टू कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया वन प्लस बी एच की पावर वन बाई टू माइनस वन अपॉन बी एच एच की पावर वन बाई टू, इससे ये कट गया तो नीचे क्या बचा बी एच ठीक है। अब बी एच बचने के बाद हम क्या करेंगे, इसका एक्सपेंशन करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से, यानी द्रुप बाइनोमियल एक्सपेंशन से। बाइनोमियल एक्सपेंशन का हमने 11th क्लास में पढ़ा था, जिसमें वन प्लस एक्स की पावर एन होती है तो उसका क्या होता है वन प्लस एक्स बाई टू एक्स बाई थ्री, इस तरीके से चलता है वो, तो वन प्लस वन बाई टू एक्स डेट डेट डैश, तो इधर एक्स की जगह क्या है एच, क्या है एच,
और h की जगह क्या है, बी एच है, तो 1 बाय 1 प्लस 2 बी एच, और h की अप टू मैक्सिमम पावर ऑफ अप टू मैक्सिमम पावर ऑफ एच, मैक्सिमम पावर ऑफ एच ये लिख लेना, माइनस वन अपॉन बी एच। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो ये क्या होगा, कट जाएगा। इसके बाद कटने के बाद हम क्या करेंगे इसके अंदर, देखो ये वन से वन कट गया, तो अब ये अप टू मैक्सिमम पावर, इसका मतलब ये चलता ही रहेगा ऐसे, तो हम क्या करेंगे केवल ही ले लेते हैं कि लिमिट h टेंस टू ज़ीरो वन बाई टू बी एच अपॉन बी एच, ये बी एच से बी एच कट गया तो बचा क्या, वन बाई टू। मैं जानता हूँ फंक्शन कंटिन्यूस है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ ज़ीरो के इक्वल होगा। तो क्या आया, हम बिकॉज हम जानते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ ज़ीरो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो कितनी आई ए प्लस टू, राइट हैंड लिमिट कितनी आई वन बाई टू, तो इसकी वैल्यू और इक्वल्स टू सी, तो ए इज इक्वल्स टू वन बाई टू माइनस टू, यानी कि ए इज इक्वल्स टू माइनस का थ्री बाई टू, और सी इक्वल्स टू वन बाई टू। अब बी इसके अंदर आ ही नहीं रहा कहीं, बी इसके अंदर आया ही नहीं, आर एच एल में भी नहीं आया, एल एच एल में भी नहीं आया, और एट द फंक्शन में भी नहीं आया, तो बी की जो वैल्यू होगी, बी इज नॉट प्रेजेंट इन आर एच एल, बी जो है आर एच एल में प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब जो बी है वो बिलोंग करेगा रियल नंबर से, ठीक है। ये हमारे फंक्शन, ये हमारे वैल्यू निकल कर आ गई, ए की वैल्यू माइनस थ्री बाई टू और सी की वैल्यू वन बाय टू। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ। आप लोगों को भी अच्छे तरीके से बिल्कुल समझ के याद कर, समझ के करना है इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 18 करते हैं, चलो 18 बताता हूँ मैं आप लोगों को, कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस एक्स माइनस वन के कंटिन्यूस होने का टेस्ट करना है, कौन से इंटरवल के अंदर, माइनस वन से टू के बीच के अंदर जितने भी हैं। तो देखो एफ ऑफ एक्स कितना दे रखा है मेरे को, मॉड एक्स प्लस, मॉड में एक्स प्लस वन, ये हमको एक्स माइनस वन, ठीक है। इसके अंदर हमें कंटिन्यूटी का चेक करना है, तो पहले हमें फंक्शन पता लगाना पड़ेगा, जैसे हमें इस पे चेक, किस पे चेक करना है हमें, माइनस वन से टू तक, इंटरवल क्या दे रखा है, माइनस वन से टू तक। तो सपोज करो एक मेरी नंबर लाइन है ये, इसमें मैंने माइनस वन ज़ीरो और टू ये नंबर ले लिए। अब मैं क्या करूँगा, इन पर फंक्शन को चेक करूँगा कि किस पर कौन सा फंक्शन और कितनी वैल्यू होगी, हमें ये पता करना है। तो देखो मैंने क्या करा, फंक्शन तो ये सब में है, मैंने एक बार माइनस वन रखा, जैसे माइनस वन रखा तो मोड से निकल के क्या आएगा, प्लस का वन, यहाँ माइनस वन रखा तो माइनस वन माइनस वन माइनस टू, और माइनस टू मोड से निकलेगा तो प्लस टू, वन में टू एड करा तो थ्री, यानी माइनस वन रखते ही मेरे पास क्या आएगा, थ्री आएगा, ठीक है। अब एक बार मैंने ज़ीरो रखा, इधर ज़ीरो रखा, इधर ज़ीरो रखा, तो बचा क्या, माइनस वन, मोड़ से निकलते क्या आएगा, प्लस वन। अब मैंने यहाँ पे टू रखा, तो टू और टू में से वन गया, तो वन टू और वन थ्री, ये हमारा इस पर आ गया। अब बात आती है कि एक माइनस एक से छोटा रखा, यानी कि माइनस दो रखा, जैसे मैंने यहाँ माइनस, देखो क्या आएगा, एक्स और एक्स माइनस वन,
अब जैसे मैं माइनस दो रखा, तो माइनस दो तो वैल्यू हमेशा देखो, इस पे माइनस रखा तो माइनस का दो यानी ये माइनस आएगा, ये एक्स माइनस यानी माइनस दो और माइनस वन माइनस थ्री यानी कि ये भी माइनस का आएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, माइनस का टू एक्स प्लस वन, यानी कि जब मैं माइनस वन से छोटी रखूँगा तो फंक्शन मेरे पास ये निकल कर आएगा। जब मैं माइनस वन और जीरो के बीच में रखता हूँ, सपोज करो मैंने माइनस का वन बाई टू रखा, तो मैंने यहाँ माइनस का वन बाई टू रखा तो ये भी कितना, देखो ये एक्स है और ये एक्स माइनस वन है, मैंने यहाँ माइनस का वन बाई टू रखा तो माइनस में आया, यहाँ माइनस का वन बाई टू रखा तो माइनस के अंदर आया, और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या निकल कर आएगा, माइनस का टू एक्स प्लस वन, यानी कि सेम फंक्शन निकल कर आ रहा है। अब मैं जीरो और टू के बीच में रखता हूँ, सपोज करो मैंने वन रखा, तो मैंने यहाँ पे एक्स और एक्स प्लस एक्स माइनस वन, इस पर मैंने क्या रखा, वन रखा तो प्लस का आ रहा है, और मैंने यहाँ वन रखा तो जीरो भी आ सकता है, यानी और थ्री बाई यानी डेढ़ रखा, डेढ़ रखा तो प्लस का आ रहा है, यानी किधर क्या आएगा, प्लस आएगा, तो क्या आया, टू एक्स माइनस वन। ठीक है, अब मैंने दो से ज़्यादा के लिए बात करी, दो से ज़्यादा के लिए, तो जैसे मैंने यहाँ पे जैसे ये x है, ये x माइनस वन है, मैंने यहाँ तीन रखा तो प्लस का ही आएगा, यहाँ तीन रखा तो भी प्लस का आएगा, तो यानी टू एक्स माइनस वन आएगा। अब फंक्शन देखो हमारे क्या बन सकते हैं कि f ऑफ x इक्वल्स टू, f ऑफ x फंक्शन हम क्या बना सकते हैं, एक तो हमने क्या करा, जीरो से माइनस वन से कम पे करा तो ये वाला आया, और माइनस वन और जीरो के बीच में रखा तो ये फंक्शन आया, यानी कि वन माइनस टू एक्स फंक्शन आया। कब आया, जब एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस एक से तो छोटी हो, माइनस एक से तो क्या हो, छोटी हो, यानी कि माइनस दो, अब माइनस एक से तो छोटी होनी चाहिए, ठीक है, और माइनस एक और जीरो, जब हम इसका लिख लेते हैं कि वन माइनस टू एक्स जो है वो किस पर आया, वो मेरा निकल कर आया किस पर, माइनस एक से छोटी पर, यानी एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस एक से छोटी है। एक फंक्शन वापस मेरा वन माइनस टू एक्स निकल कर आया कब, जब एक्स की वैल्यू माइनस वन से तो क्या है, माइनस वन से तो छोटी है, और जीरो से बड़ी, देखो माइनस एक से भी छोटी है और जीरो से भी छोटी है, यानी माइनस एक और जीरो के बीच के अंदर आया है, जब एक्स की वैल्यू क्या हो, माइनस एक से तो बड़ी हो, एक्स की वैल्यू माइनस एक से तो बड़ी हो और एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी हो, माइनस एक से तो बड़ी हो और जीरो से छोटी हो, तो ये फंक्शन आएगा। अब बात करते हैं इसकी 2x माइनस वन की, तो इसमें फंक्शन क्या आ रहा है कि x की वैल्यू 1 से तो बड़ी हो, x की वैल्यू 1 से तो बड़ी हो लेकिन 2 से छोटी हो, किससे छोटी हो, 2 से तो छोटी हो, तो 2 से छोटी कैसे होगी, इस तरीके से, ठीक है। और एक फंक्शन निकल कर आया 2x माइनस वन, कब निकल कर आया x, 2x माइनस वन जब x की वैल्यू क्या हो, 2 से बड़ी हो, x की वैल्यू 2 से बड़ी हो, और एक तीन, एक और तीन आंसर आया, यानी तीन आया और एक एक आया, तो तीन कब आया, जब x की वैल्यू इक्वल है माइनस वन या फिर टू के, ठीक है, और वन कब आया, जब x की वैल्यू है जीरो के इक्वल, ये हमारे पास फंक्शन निकल कर आ गए। अब फंक्शन निकलने के बाद हम इसकी क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे माइनस एक से लेकर दो तक। अब अगर सपोज करो माइनस एक पर कंटिन्यूस आया तो आगे करेंगे, एक जीरो पे करेंगे, अगर जीरो पे कंटिन्यूस आया तो फिर आगे करेंगे, दो पर भी कंटिन्यूस आया तब ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज ये कंटिन्यूस, ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। तो हमें तीनों पर टेस्ट करना पड़ेगा, तो हम तीनों पर से टेस्ट करते हैं। तो सपोज करो सबसे पहले मैंने जीरो पे टेस्ट कर लिया, अब कंटिन्यूस जीरो पे चेक करने के लिए मैंने क्या करा, टेस्टिंग टेस्ट एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पर टेस्ट करा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट एस टेंस टू जीरो,
एफ ऑफ जीरो माइनस एच, यानी जीरो से कम पर फंक्शन देखो कौन सा है, कि एक्स की वैल्यू जीरो से कम हो। तो एक्स की वैल्यू जीरो से कम कब है, वन माइनस टू एक्स, वन माइनस टू एक्स। तो हम क्या लिख देंगे इधर, एफ वन माइनस, तो वन माइनस टू माइनस एच, तो लिमिट एस टेंस टू जीरो, वन प्लस टू एच। अब मैंने इस पे लिमिट पहुँचाई, एच लिमिट पहुँचाई तो वन आंसर आया। अब मैं बात करता हूँ राइट हैंड लिमिट की, तो लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच, जब फंक्शन की वैल्यू जीरो से ज़्यादा हो। तो जीरो से ज़्यादा कब है, इन दोनों के बीच में, ठीक है, वैल्यू क्या है, जीरो से ज़्यादा हो। एक्स की वैल्यू जीरो जीरो से ज़्यादा हो तो वन माइनस टू एक्स। तो लिमिट एस टेंस टू जीरो वन माइनस टू एच, वैल्यू पहुँचाई तो वन। अब एफ ऑफ ज़ीरो, एफ ऑफ ज़ीरो पर वन वैल्यू कितनी निकल कर आई, वन निकल कर आई, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ ज़ीरो, देन फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो पर, तो फंक्शन कंटिन्यूस है। अब एक के बाद मैं चेक करता हूँ दो पर, किस पर चेक कर रहा हूँ, टेस्ट एट एक्स इक्वल्स टू टू पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहती है, कि लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ टू माइनस एच, यानी कि दो से कम होना चाहिए। तो फंक्शन दो से कम कब है, फंक्शन दो से कम है, दो से कम कहाँ है, इस जगह। तो फंक्शन दो से कम पे फंक्शन क्या है, टू एक्स माइनस वन। फंक्शन दो से कम कब है, इस पे, यानी टू एक्स माइनस वन। तो लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो टू एक्स, एक्स की जगह टू माइनस एच माइनस वन, तो कितना निकल कर आ गया, लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो फोर माइनस एच माइनस वन, यानी कि थ्री निकल कर आ गया जीरो पहुंचाते ही। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, तो एफ लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ टू प्लस एच, यानी कि दो से ज़्यादा। अब फंक्शन दो से ज़्यादा कब है, टू एक्स माइनस वन पर। तो लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो टू टू प्लस एच माइनस वन, यानी कि फोर प्लस टू एच माइनस वन, यानी कि लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो इज इक्वल्स टू थ्री। अब बात करते हैं एफ ऑफ टू की, यानी फंक्शन दो पर कितना आया, फंक्शन दो पर तीन आया, यानी कि यह x बराबर दो पर भी क्या है, कंटिन्यूस है। एक किस पर कंटिन्यूस है, एक और दो पर तो कंटिन्यूस हो गया, जीरो और दो पर तो कंटिन्यूस हो गया। अब हमें क्या करना है, अब एक और माइनस एक रह गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से जब मैं माइनस एक क्या करेंगे, वन और टू, वन और माइनस वन पर भी क्या निकाल के देख लेंगे, कंटिन्यूटी टेस्ट करके देख लेंगे, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होए या नहीं हमें मालूम चल जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, कि क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स रूट में वन प्लस एक्स माइनस क्यूब रूट वन प्लस एक्स बिंदु पॉइंट यानी एक्स इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूस है, तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो क्या कह रहा है,
कि एफ ऑफ एक्स जो है वो रूट में वन प्लस एक्स माइनस क्यूब रूट वन प्लस एक्स अपॉन में एक्स कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। एक्स इक्वल्स टू जीरो पर कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो के इक्वल होगा। तो देखो मैंने क्या करा, सबसे पहले फंक्शन को इस तरीके से लिख लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वन प्लस एक्स की पावर वन बाय टू माइनस वन प्लस एक्स की पावर वन बाय थ्री अपॉन में एक्स। अब मैंने पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली यानी लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच यानी कि जीरो से कम पर भी फंक्शन यही होगा यानी जहाँ पर भी एक्स होगा वहाँ हम ये वैल्यू रख देते हैं तो माइनस एच निकल कर आएगा यानी कि लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स की जगह जीरो माइनस एच रखेंगे तो माइनस का एच यानी कि वन माइनस एच की पावर वन बाय टू माइनस वन माइनस एच की पावर वन बाय थ्री अपॉन माइनस का एच। अब देखो ये चीज़ पावर वन प्लस एक्स की पावर एन है तो वन प्लस एक्स की पावर एन मैंने बताया था बाइनोमियल थ्योरम से कैसे निकलती है वन प्लस वन बाई टू एक्स प्लस डेड डेड डैश जितनी पावर होती है उसमें चलता रहता है लिमिट एच टेंस टू जीरो बाइनोमियल एक्सपेंशन कहते हैं इसको वन प्लस। अब देखो यहाँ वन माइनस एच है यहाँ क्या है वन माइनस एक्स है ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे वन माइनस वन बाई टू एच प्लस डेड डेड डैश माइनस वन माइनस वन बाई थ्री एच डेड डेड डैश अपॉन माइनस का एच। देखो ये माइनस प्लस का ये माइनस का ये तो कट हो गया। अब हमने क्या करा लिमिट एच टेंस टू जीरो इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया माइनस का एच कॉमन ले लिया क्या ले लिया माइनस का एच कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया वन बाई टू प्लस का वन बाय। अब देखो माइनस का तो कॉमन ले लिया मैंने ये माइनस का तो कॉमन ले लिया तो ये माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो माइनस प्लस माइनस वन बाय थ्री अपॉन माइनस का एच ये माइनस एच से माइनस एच कट गया। अब इसको लिमिट लगा के सॉल्व करा हमने तो सिक्स इक्वल्स टू थ्री माइनस टू इज इक्वल्स टू वन बाय सिक्स कितना आ गया ये वन बाय सिक्स निकल कर आ गया। तो मैं जानता हूँ कि एफ ऑफ जीरो निकालना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई वन बाई सिक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो मेरे को यही वैल्यू निकालनी थी इसलिए मैंने एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी निकाल ली वन बाय सिक्स ये हमारा आंसर कंप्लीट। ठीक है अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कह रहा है इसको रफ कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 21 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है सब सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज डिफरेंशियबल हमें बताना है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स किसके लिए डिफरेंशियबल होगा। मैंने मान लिया कि लेट एक्स इक्वल्स टू ए इज आर्बिटेरी फंक्शन यानी कि ए जो है वो बिलोंग करता है आर से यानी कि जो हमने फंक्शन लिया वो हम किससे शो किस पर बिलोंग करता है वो आर पे बिलोंग करता है। अब हम इस पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या कहता है कि लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस का एच यही तो कहता है सी माइनस एच। सी क्या होता है जिस पॉइंट पर चेक करते हैं लेकिन हम किस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं ए पर यानी इस वाले फंक्शन में जहाँ पर x होगा वहाँ ये रखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो तो साइन ए माइनस एच माइनस साइन एच अपॉन माइनस का h
ए नहीं, ए माइनस एच अपॉन साइन ए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो मैंने देखा कि साइन ए माइनस साइन बी, तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो टू कॉस ए माइनस बी ए प्लस बी बाई टू, यानी कि ए माइनस एच माइनस ए अपॉन टू डॉट साइन ए टू कॉस ए प्लस बी टू साइन ए माइनस एच माइनस ए बाई टू अपॉन माइनस का एच, ये मैंने आइडेंटिटी लगा दी साइन ए माइनस साइन बी की। तो साइन ए प्लस बी टू कॉस साइन ए प्लस बी डॉट साइन ए माइनस बी, तो ये ए से ए कट गया, ये ए और ए टू एच हो गया। तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो टू कॉस टू ए माइनस एच बाई टू डॉट साइन माइनस का एच बाई टू, ये माइनस है तो ये ब्रैकेट के साइन माइनस को बाहर भेज देता है, यानी साइन माइनस एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स होता है, हम अच्छे तरीके से जानते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे देखते हैं, आइए कि माइनस में इधर लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो टू कॉस टू ए माइनस एच बाई टू, ये लिमिट इस पे भी पहुंचा दिया, अब इस पे भी पहुंचा देते हैं, लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो एच बाई साइन एच बाई टू, ये माइनस का एच चल ही रहा है इधर, माइन एच बाई टू इसके नीचे एच पहुंचा दिया, इधर नहीं एच ना पहुंचा के इधर एच पहुंचा दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू वन होती है, साइन एच बाई टू अपॉन एच, अब इधर वन बाई टू अपॉन में वन बाई टू चाहिए, ठीक है। तो देखो मैं जानता हूँ कि अगर इधर मैंने एच की वैल्यू ज़ीरो रखी तो ये ज़ीरो दो से दो कटा तो कॉस ए, यानी कि टू कॉस ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा टू कॉस ए, और टू कॉस ए एक काम करते हैं हम लोग, एक इजी और कर सकते हैं कि इस टू को मैंने यहाँ की बजाय यहाँ लिख दिया इस बार, ठीक है। और ये जब मैंने ये दो देखा कि ये नीचे है तो इसको ऊपर है तो मैंने इसको नीचे पहुँचा दिया, तो अब इसकी वैल्यू तो मैं वन जानता हूँ, कितनी होती है इसकी वैल्यू वन, तो इक्वल्स टू माइनस लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, अब मैंने यहाँ पर लिमिट रखी ज़ीरो तो क्या आ गया कॉस, और अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से माइनस भी ना निकालता हूँ, मैं यहाँ से ही माइनस रख के, यहाँ माइनस है ही और यहाँ भी मैंने माइनस ये वाला चलने दिया, तो इसकी वैल्यू वन हो गई, तो कॉस टू ए अपॉन टू डॉट वन, तो टू से टू कट यानी कॉस ए आ गया, वैल्यू क्या निकल कर आ गई कॉस ए, ये किसकी थी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। अब बात करते हैं हम राइट हैंड डेरिवेटिव की, क्या कहता है लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ ए माइनस एच प्लस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ये हमारा क्या होता है राइट हैंड डेरिवेटिव होता है, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया हमने, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिख लेते हैं कि लिमिट ए ये अब हुआ है सही एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, अब लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो तो साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए अपॉन एच, वापस वही फॉर्मूला लगाते हैं टू कॉस लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो टू कॉस ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस एच प्लस ए अपॉन टू डॉट कॉ साइन ए माइनस बी ए प्लस एच माइनस ए बाई टू अपॉन में एच, ठीक है। ये ए से ए कट गया, यही वही वाली बात की टू अपॉन मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में पहुंचा दिया, तो लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो ए और ए टू ए हो गया कॉस टू ए प्लस एच बाई टू डॉट लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो साइन एच बाई टू अपॉन में एच और ये बाई टू, ठीक है।
अब मैंने यहाँ जीरो रखा तो कॉस टू ए बाई टू डॉट वन, टू से टू कटा तो कॉस ए। मैंने देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ कि फंक्शन जो है वो सभी रियल नंबर के लिए क्या है, डिफरेंशियबल है। ये हमारी एक्सरसाइज सिक्स चैप्टर कंप्लीट, यानी चैप्टर सिक्स कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से पूछ सकते हो। आई होप आपके आज की क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।